हेलो फ्रेंड, मेरे पैन कार्ड मित्रों, आज आपके लिए फिर एक न्यूज़ लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, न्यूज़ सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि सेवी विभाग जितनी भी कंपनियों पर अपनी छापेमारी करता है, लगभग 3000 कंपनियों को इसने अपनी हुक्मरानी से बर्बाद कर दिया और उन सब पर एक ही क्लेम लगाया जाता है कि या तो वो कहते हैं कि गलत तरीके से ठगी की गई है, या कहते हैं अवैध रूप से इन्होंने पैसे को गलत रूप से लगाया, यानी कि सारे इल्ज़ाम कंपनियों के सिर पर ही मढ़े जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ सेवी विभाग से, जब आप लोग इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, तो क्या आप अपनी तौर पर इनकी कोई अच्छी तरीके से जांच नहीं करते? कमी आपकी है और थोप देते हैं इन कंपनियों पर। जब 10-20 साल इन कंपनियों को हो जाते हैं, मोटा पैसा हो जाता है, तो आप लोग इनका पैसा ठगने के लिए या इनके साथ मतलब इनकी टांग घसीटने के लिए आप अपने कानून थोप देते हैं और अवैध तरीके से ठगना, आप जाने कैसी कैसे इन लोगों के ऊपर क्लेम लगा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी खबर हमारे पास फिर पैन कार्ड कलम से आई है। 52 लाख निवेशकों से देश में हुई ठगी। जी हाँ दोस्तों, इसको भी ठगी बता दी गई है। मुंबई नागरिकों को अधिक कमाई का झांसा देकर निवेश के नाम पर देश भर के लाखों ग्राहकों के पैसे हड़प करने वाली पैन कार्ड कलम घोटाला मामले में बी को जब्त संपत्ति की जानकारी छिपाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। जी हाँ दोस्तों, सेबी को फटकार लगाई, क्योंकि सेबी विभाग इसकी संपत्ति को पूरा नहीं दिखा रहा था। कहीं ना कहीं इसका कुछ सेवी विभाग का गोलमाल चल रहा था, तो इस पर कोर्ट ने उसको फटकार लगाई। साथ ही जब्त सभी संपत्ति की जानकारी 2 सप्ताह में देने का आदेश दिया। पैन कार्ड क्लब लिमिटेड ने देश भर के लाखों निवेशकों का निवेश के माध्यम से अधिक रिटर्न देने का झांसा दिया। दोस्तों, झांसा कोई किसी को नहीं देता, ये सिर्फ लेख हैं इनके, जो अपनी तौर से लिखवाते हैं, बताते हैं, उसी तरीके से मीडिया में ये छा जाते हैं। हकीकत ये है कि कुछ कंपनियां ही फ्लॉड थी जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन थे जिन कंपनियों के, जो 40 साल 30 साल से चल रही थी, तो उनको ये कैसे कह देते हैं कि झांसा देकर 52 लाख ग्राहकों के साथ ठगी की। जी हाँ दोस्तों, 52 लाख ऐसे ही जुड़ गए। इन पैसों की कंपनी डायरेक्टरों ने अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन निवेश किए गए पैसे वापस नहीं किए। इस तरह से लगभग 7,035 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा होने के बाद निवेशकों ने सेबी से शिकायत की। निवेशकों को भी बीच में लाकर जब ये पैसा जब्त कर लेते हैं, तो कंपनी कहाँ से देगी? फिर ये लोग शिकायत करने जाएंगे तो ये इनको बता दिया जाता है कि कंपनी पैसा नहीं दे रही। तो कुछ अधूरी जानकारी निवेशकों में भी रहती है। साथ ही सेंट की सभी शिकायत की गई। इस मामले में सेंट ने सेबी को पैन कार्ड क्लब के प्रॉपर्टी जब्त कर निवेशकों का पैसा वापस देने के आदेश दिया था, जिसके बाद सेबी ने पैन कार्ड क्लब की प्रॉपर्टी जब्त कर नीलामी करनी शुरू की। सेबी के अधिकारी द्वारा जब्त प्रॉपर्टी की नीलामी रेडी कैनर से कम कीमत पर किए जाने की जानकारी निवेशकों को होने के बाद राधेवेंद्र मोगावेरा और अन्य सेबी के खिलाफ उच्च न्यायालय याचिका दाखिल की। या याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति भूषण धर्म अधिकारी न्यायमूर्ति रेवती मोहती के सामने याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पैन कार्ड क्लब की 68 प्रॉपर्टियां हैं, इसमें से 15 की नीलामी की गई है। इसके साथ ही विदेश में भी कुछ संपत्तियां हैं, लेकिन इन संपत्तियों की जानकारी सेबी द्वारा छिपाया जाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने सेबी को फटकार लगाते हुए 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन दोस्तों, ये खबर इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज तक इस पर कोई सेबी विभाग की तरफ से निवेशकों के लिए पेमेंट देने की कोई अपडेट अभी तक नहीं आई, और ना ही कोई ब्यौरा इस वक्त पैन कार्ड क्लब के निवेशकों को दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, पैन कार्ड क्लब की संपत्ति का पूरा ब्यौरा कोर्ट को ना देना, इसका मतलब साफ ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं
बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, चाहे ये विभाग से विभाग हो, अदर कोई सा विभाग हो, इन सब विभागों की मिली जुली एक कथा चल रही है जिसके आधार पर ये सब किया जा रहा है। तो पैन कार्ड क्लब का पैसा अगर मिलेगा तो कोर्ट के एक सख्त ऑर्डर के बाद ही मिल सकता है, अन्यथा पैन कार्ड का क्लब सेवी विभाग तो इस वक्त तो बिल्कुल गोल करो बैठी है, प्रॉपर्टी भी बेच चुकी है, सब कुछ बेच चुके हैं, लेकिन अभी तक निवेशकों का पैसे देने का कहीं से कहीं तक कोई अपडेट या किसी तरह की सूचना अभी तक इसने अपने पोर्टल पर नहीं डाली। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड के 35 लाख से भी ज़्यादा निवेशक करोड़ों रुपया इस वक्त सेवी के जेब में रखा हुआ है, जो कि इस वक्त सेवी भाग चाह रही है कि उस पैसे को गोल कर जाएं। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे संविधान ऐसा नहीं होने देगा, और हम लोग अपनी तौर से लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ तक है सेवी भाग से अपना पैसा और हक लेकर रहेंगे। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।